हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग ग्राफ के कुछ शॉर्टकट मेथड्स देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आप क्विकली किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो ग्राफ के एल्गोरिथम्स को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला जो मैं पार्ट बना रहा हूँ उसमें रिप्रेजेंटेशन और ट्रेवर्सल्स को मैं डील करूँगा, और जो पार्ट टू होगा उसमें स्पैनिंग ट्री और शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम्स को मैं डिस्कस करूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन एंड ट्रेवर्सल से। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है ग्राफ से रिलेटेड, कि कितने तरह से हम ग्राफ को मेमोरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ग्राफ को मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन और एक एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एक एरे रिप्रेजेंटेशन है और एक लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में अगर मान लीजिए कि मेरे पास तीन वर्टिसेज हैं तो मैं एक 3x3 की एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ और उससे मैं अपने ग्राफ को रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। अगर मेरे पास चार वर्टिसेज हैं तो मैं 4x4 की एक मैट्रिक्स बनाऊंगा। कुछ ग्राफ्स यहाँ पे गिवन है, जैसे कि ये वाला जो ग्राफ गिवन है उसमें चार वर्टिसेज हैं, तो हम एक 4x4 की मैट्रिक्स बना लेते हैं, क्योंकि इसमें वर्टेक्स का जो नंबर है वो 1, 2, 3, 4 है। तो हम 1, 2, 3, 4 मेंशन कर लेते हैं रो साइड में और 1, 2, 3, 4 हम कॉलम साइड में भी मेंशन कर लेते हैं। अगर किसी पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में एज होगी तो हम उसको 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, अदरवाइज हम उसको 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 1 से कनेक्शन देख रहे हैं तो 1 से कनेक्शन केवल 4 का है, तो 1 से 4 एंट्री को 1 दिखाया गया है और बाकी एंट्रीज को 0 दिखाया गया, जैसे कि 1 से 1 एंट्री 0 है, 1 से 2 एंट्री 0, 1 से 3 एंट्री 0। सिमिलरली जो वर्टेक्स नंबर 2 है वो केवल 4 से कनेक्टेड है। तो ये देखिए, ये जो एज है वो यही दिखा रहा है कि वर्टेक्स नंबर 2 4 से कनेक्टेड है। तो हम क्या करते हैं कि 2 से 4 एंट्री को हम 1 कर देते हैं। सिमिलरली जो वर्टेक्स नंबर 3 है वो भी 4 से कनेक्टेड है, तो 3 से 4 एंट्री को हम 1 कर देते हैं, बाकी सारी एंट्रीज थर्ड रो में 0 होंगी। सिमिलरली अगर हम फोर्थ वर्टेक्स से कनेक्शन दिखाएं तो 4 से 1 भी कनेक्टेड है, 4 से 2 भी कनेक्टेड है और 4 से 3 भी कनेक्टेड है। तो 4 से हमने 1, 4 से 2 और 4 से 3 एंट्री को हमने यहाँ पे 1 दिखाया, जबकि 4 से 4 एंट्री को हमने यहाँ पे 0 दिखाया। सो ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। एक और ग्राफ देखते हैं, जैसे कि ये वाला जो ग्राफ है इसमें देखिए कि 1 से 2 कनेक्टेड है और 1 से 4 कनेक्टेड है। तो अगर हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना रहे हैं और रो में और कॉलम दोनों साइड में अगर हमने वर्टेक्स का नंबर लिख दिया है तो 1 से 2 कनेक्शन और 1 से 4 कनेक्शन को 1 दिखाया गया है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि 2 से जो कनेक्शन है वो 3 का कनेक्शन और 2 से 1 का भी कनेक्शन है। तो 2 से 1 एंट्री को हमने सेकेंड रो में 1 दिखाया और सेकेंड रो में थर्ड कॉलम की एंट्री 2 से 3 एंट्री को भी हमने 1 दिखाया। फाइन, तो ये हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन मेथड है वो एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन उससे पहले अभी हमने जो प्रीवियस वाला देखा, हमने उसमें अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए देखा, तो आइए आप डायरेक्टेड ग्राफ के लिए देख लेते हैं कि किस तरह का रिप्रेजेंटेशन होगा। जैसे कि इस ग्राफ में 5 वर्टिसेस हैं और वर्टेक्स का नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमने रो साइड में 0, 1, 2, 3, 4 मेंशन कर दिया और कॉलम साइड में भी हमने 0, 1, 2, 3, 4 मेंशन कर दिया। तो अब अगर 0 से 1 कनेक्टेड है और 0 से 2 कनेक्टेड है तो केवल 2 एंट्री फर्स्ट रो में, मतलब कि 0 नंबर रो में 0 से 1 एंट्री और 0 से 2 एंट्री को हमने 1 दिखाया, बाकी सारी एंट्री को हमने 0 रखा। 0 से 0 एंट्री, 0 से 3 एंट्री, 0 से 4 एंट्री। सिमिलरली 1 से कनेक्शन है 2 का और 4 का। तो देखिए, डायरेक्शंस के हिसाब से हम चलेंगे, जो एजेस 1 से निकलेंगी हम केवल उनको कंसिडर करेंगे, जो 1 पे टर्मिनेट हो रही होगी हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो 1 से 2 कनेक्टेड है और 1 दिखा दिया हमने, 1 से 4 भी कनेक्टेड है उसको हमने 1 दिखा दिया। सिमिलरली 2 से कनेक्शन अगर हम देखें तो 2 से जाने वाली एच केवल 3 है, सो सेकेंड नंबर रो में 2 से 3 एंट्री जो है हमने उसको 1 दिखाया, बाकी सारी एंट्रीज इसमें 0 हैं। सिमिलरली 3 से कनेक्शन देखते हैं, 3 से केवल एक एज है जो कि 4 तक जाती है, तो 3 से मतलब कि थर्ड रो में जो फोर्थ कॉलम की एंट्री उसको हमने 1 कर दिया। 4 से अगर हम देखें तो कोई भी कनेक्शन नहीं, 4 से जाने वाली या 4 से निकलने वाली कोई भी एज नहीं है, तो 4th रो में सारी की सारी एंट्रीज हमने 0 रखा है। तो इस तरह से हमने ग्राफ को मेमोरी में रिप्रेजेंट करना सिखा दिया। एक और मेथड है जिसको हम एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, इसको हम लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में ग्राफ है उसको हम एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और इसमें हमें क्या करना है कि एक एरे ऑफ लिंक्ड लिस्ट बना लेना है। तो जो एरे ऑफ लिंक्ड लिस्ट है उसमें जो उतने ही एंट्रीज होंगी जितने की वर्टिसेस है ग्राफ में, जैसे कि इस ग्राफ में 0, 1, 2, 3 मतलब कि 4 एंट्रीज हैं या 4 वर्टिसेस हैं, तो जो एरे ऑफ लिंक्ड लिस्ट है उसकी साइज भी 4 होगी।
तो ये जो है वो जीरो नंबर को शो कर रहा है, ये वन नंबर को शो कर रहा है, ये टू नंबर वर्टेक्स को शो कर रहा है और ये थ्री नंबर वर्टेक्स को शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जीरो से वन भी कनेक्टेड है, टू भी कनेक्टेड है और थ्री भी कनेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे कि नोड्स निकालते हैं जीरो से। एक नोड वन को रिप्रेजेंट करेगा, एक हम और नोड इसमें लगा देते हैं जो टू को रिप्रेजेंट करेगा, और हम इसमें एक और नोड लगा देते हैं जो कि थ्री को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली जो हमारा वर्टेक्स नंबर वन है वो जीरो से कनेक्टेड है और टू से भी कनेक्टेड है। तो वन से हम जीरो को कनेक्ट कर देते हैं और वन से हम टू को भी कनेक्ट कर देते हैं। सिमिलरली जो टू है वो जीरो से भी कनेक्टेड है और वन से भी कनेक्टेड है। तो टू से निकलने वाले दो नोड्स होंगे, एक जीरो और एक वन। ध्यान रखिए कि जब भी हम ये रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो उस समय हमें ये ध्यान रखना है कि हम अल्फाबेटिकल सीक्वेंस या न्यूमेरिकल सीक्वेंस में ही इसको रखें। एक अच्छी प्रैक्टिस है कि हमने जो कनेक्शंस है उसको न्यूमेरिकल सीक्वेंस में यहाँ पे रखा है, जैसे कि जीरो से कनेक्शन वन टू थ्री सीक्वेंस में रखा है। अब इसको हम टू वन थ्री भी लिख सकते थे, लेकिन बेटर प्रैक्टिस ये होगी कि आप इसको न्यूमेरिकल सीक्वेंस में ही दिखाएं। सिमिलरली जो थ्री है उससे केवल जीरो कनेक्टेड है, सो हमने ये दिखा कि थ्री को हमने जीरो से कनेक्ट कर दिया इसे। फाइन, तो इसी तरह से एक राइट हैंड साइड देखिए ग्राफ है। इस ग्राफ में कितने वर्टिसेस हैं? एक दो तीन चार पांच और छह वर्टिसेस हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसमें छह साइज का एक एरे ऑफ लिंजेस बनाएंगे, करेक्ट? तो एक दो तीन चार पांच और छह। तो इसमें जो पहला वाला है वो हम अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में अगर इसको मेंशन करें तो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये एरे ऑफ लिंक्ड लिस्ट में ये वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यू से कनेक्शंस कौन कौन से हैं? वी है और एक्स है, तो हम इसको अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में बना सकते हैं। तो यू से कनेक्टेड है वी और यू से कनेक्टेड है एक्स। सिमिलरली जो वी से कनेक्शन है, वी से कनेक्शन केवल वाई का है, तो हमने वी से वाई के लिए एक लिंक्ड लिस्ट का नोड बना दिया। फिर जो डब्ल्यू है उससे दो नोड्स कनेक्टेड हैं, एक कनेक्टेड है वाई और एक कनेक्टेड है जेड, तो हमने किया डब्ल्यू से वाई और डब्ल्यू से जेड। फाइन, फिर इसके बाद एक्स से कनेक्टेड कौन से हैं? एक्स से केवल वी कनेक्टेड है, तो हमने एक नोड बनाया एक्स से कनेक्टेड वी का। फिर इसके बाद जो वाई है, वाई से कनेक्टेड है केवल एक्स, तो हमने वाई से एक नोड बनाया जिसमें डाटा वैल्यू एक्स रख दिया, वर्टेक्स का नंबर रख दिया, इसमें वर्टेक्स का नेम रख दिया। जो जेड है वो केवल अपने आप से कनेक्टेड है, तो हमने क्या किया, जेड को जेड से कनेक्ट कर दिया, करेक्ट? तो ये हमारा एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि हम ग्राफ को कितने तरीके से मेमोरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दो तरीका है, एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन और एक एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। दोनों के दो दो एग्जाम्पल्स आप लिख के एक्सप्लेन कीजिएगा, एक अनडायरेक्टेड ग्राफ और एक डायरेक्टेड ग्राफ। अब आइए हम ट्रैवर्सल मेथड्स डिस्कस करते हैं। तो ग्राफ के ट्रैवर्सल के दो मेथड्स हैं, एक ब्रेथ फर्स्ट सर्च और एक डेप्थ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट सर्च का मतलब क्या है कि किसी वर्टेक्स को अगर आप पिक करें तो उससे कनेक्टेड जितने भी वर्टेक्स हैं उनको सेम टाइम पे एक्सप्लोर कर दें। जबकि डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या कह हम करेंगे कि पहले वर्टेक्स से जहाँ से हम शुरू करेंगे उससे पहले कनेक्शन में जाएंगे और उससे भी पहले कनेक्शन पे जाएंगे और जो उसका नेक्स्ट वर्टेक्स होगा उसमें भी पहले कनेक्शन पे चले जाएंगे। इसका मतलब हम डेप्थ में चलते चले जाएंगे और जब डेप्थ में हमें कुछ नहीं मिलेगा तो हम वापस आ जाएंगे। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च तो अभी वेट कर लेते हैं, फिर पहले ब्रेथ फर्स्ट सर्च डिस्कस करते हैं। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में ये छोटी सी एल्गोरिथम है जिसको हम देख लेते हैं कि स्टेप वन में हम क्या करेंगे कि एक एडजेसेंसी लिस्ट बना लेंगे। फिर उसके बाद फिर जो पहला वर्टेक्स होगा एडजेसेंसी लिस्ट में उसको हम क्यू में इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम क्यू का यूज करेंगे और क्यू उतने ही साइज की होगी जितने हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे। और क्यू में पहले वर्टेक्स को डाल देंगे, उसको डिलीट करेंगे और उससे एडजेसेंट जितने भी वर्टिसेस हैं उन सबको जो है हम क्यू में डाल देंगे, ठीक है? और फिर क्या करेंगे, क्यू से डिलीट करेंगे और क्यू से डिलीट करने के बाद उनसे एडजेसेंट वर्टिसेस को लेंगे। तो जो ये स्टेप नंबर थ्री है उसको हम रिपीट करते रहेंगे जब तक कि क्यू हमारा एम्प्टी ना हो जाए। तो अगर ये हमारे पास एक ग्राफ है तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि एडजेसेंसी लिस्ट बनाते हैं। एडजेसेंसी लिस्ट को भी बनाने का एक शॉर्टकट है, हम पहले शॉर्टकट मेथड को ही या अब हम शॉर्टकट मेथड को ही यूज़ करेंगे। तो अगर मेरे पास ये ग्राफ है तो ग्राफ में सभी वर्टिसेस को आप मेंशन कर लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। मेरे ख्याल से इसमें नाइन वर्टिसेस हैं,
आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, ए से जो कनेक्शन है वो है बी, एफ और आई। हम अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में इसको प्रेफर कर रहे हैं लिखना, हालांकि आप किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं, बट बेस्ट प्रैक्टिस ये कि अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में आप मेंशन करें। तो ये शॉर्टकट मेथड है कि इमरजेंसी लिस्ट में एरे ऑफ लिंक लिस्ट ना बना के केवल कनेक्शन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ए कोलन, मतलब कि ए से कनेक्शन हम दिखा रहे हैं, तो ए से बी कनेक्टेड है, एफ कनेक्टेड है और आई कनेक्टेड है। तो इसी तरह से जो बी है उससे कौन कौन से कनेक्टेड नोड है, ए सी ई, सो ए कॉमा सी कॉमा ई। फिर जो सी है उससे कनेक्टेड कौन कौन से वर्टिसेस हैं, बी डी और ई, तो बी कॉमा डी कॉमा ई, ये हमारे सी से कनेक्टेड है। नाउ डी वर्टेक्स कौन सा है, डी वर्टेक्स से कनेक्शंस हैं सी जी और एच, तो सी कॉमा जी कॉमा एच। फिर ई से कनेक्शन क्या है हमारा, ई से कनेक्टेड वर्टिसेस हैं बी सी और जी, तो बी कॉमा सी कॉमा जी। फिर एफ से कनेक्शंस कौन कौन से हैं, एफ से कनेक्शंस हैं हमारे पास ए और जी, तो ए कॉमा जी, करेक्ट। और जी से कनेक्शंस हमारे कौन कौन से हैं, जी से कनेक्शंस हमारे पास हैं, जी से कनेक्शंस हमारे पास एफ ई और डी, तो इसको हम अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में अगर लिखें तो डी ई एन एफ। सिमिलरली एच से कनेक्शंस कौन कौन से हमारे, एच से केवल एक कनेक्शन है डी का, और आई से कौन सा कनेक्शन है, केवल ए का। तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले वर्टेक्स, मतलब अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में पहले आने वाला जो वर्टेक्स है ए, उसको हम क्यू में डाल देते हैं। अगर एक वर्टेक्स क्यू में आ गया तो वो दोबारा क्यू में नहीं आ सकता, इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि क्यू में एक वर्टेक्स केवल एक ही बार आएगा। तो सबसे पहले हम क्यू से ए को डिलीट करते हैं, और डिलीट करने के बाद ए से जितने भी कनेक्शन है, मतलब बी एफ और आई, ये अभी तक क्यू में नहीं आए हैं, इन सबको हम क्यू में इंसर्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट वर्टेक्स को डिलीट करते हैं बी को, और बी से कनेक्टेड वर्टिसेस हैं ए सी और ई। इसमें से ए क्यू में ऑलरेडी आ चुका था तो अभी दोबारा नहीं आएगा, लेकिन सी और ई अभी तक नहीं आए इसलिए क्यू में आ सकते हैं, तो हमने सी और ई को क्यू में इंसर्ट कर दिया। फिर हम एफ को डिलीट करते हैं, एफ से कनेक्शंस हैं ए और जी, तो ए ऑलरेडी आ चुका है लेकिन जी अभी क्यू में नहीं आया है, तो हम जी को क्यू में डाल देते हैं। फिर आई देखते हैं, आई से कनेक्शन है केवल ए का, तो ए नहीं आ सकता इसमें। फिर नेक्स्ट सी को डिलीट करते हैं, सी से कनेक्शन है बी डी और ई, तो बी हमारा आ चुका है, डी नहीं आया है और ई भी आ चुका है, तो केवल डी वर्टेक्स को हमने क्यू में डाला। फिर ई से कनेक्शन देखते हैं, ई से कनेक्शन है बी सी जी, तो बी सी और जी तीनों क्यू में एक बार आ चुका है, तो अभी दोबारा नहीं आएगा। फिर जी से कनेक्शन देखते हैं, जी से कनेक्शन है डी ई एफ, ये तीनों वर्टिसेस क्यू में आ चुके हैं इसलिए हम इनको दोबारा क्यू में नहीं डालेंगे। फिर डी है, डी से कनेक्शन है सी जी और एच, सी क्यू में आ चुका है, जी भी क्यू में आ चुका है लेकिन एच क्यू में नहीं आया है, सबसे पहले हम एच को क्यू में डाल देते हैं, तो एच को हमने क्यू में डाल दिया। फिर एच को हम डिलीट करते हैं, एस से कनेक्शन और जो है वो डी है, डी ऑलरेडी क्यू में आ चुका है, तो ये हमारा प्रोसेस में क्यू एम्प्टी हो गया, इसलिए अब हम अपने प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं। अब हमें बी एफ एस सीक्वेंस लिखना होगा, तो बी एफ एस सीक्वेंस वही है जिस ऑर्डर में हमारे पास वर्टिसेस क्यू में इंजर्ट हुए। तो क्यू में सबसे पहले ए इंजर्ट हुआ, फिर बी इंजर्ट हुआ, फिर एफ इंजर्ट हुआ, फिर आई इंजर्ट हुआ है, फिर सी इंजर्ट हुआ है, फिर ई इंजर्ट हुआ है, फिर जी इंजर्ट हुआ है, फिर डी इंजर्ट हुआ है और फाइनली हमारा एच इंजर्ट हुआ है। तो ये हमारा बी एफ एस सीक्वेंस हो गया। तो याद रखिए कि हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले एडजेसेंसी लिस्ट बना लेना है, पहले वर्टेक्स को क्यू में डाल देना है, उसको डिलीट करना है और उससे सारे कनेक्टेड वर्टिसेस को क्यू में फिर डाल देना है। इस प्रोसेस को रिपीट करते रहना है और ध्यान देना है कि एक वर्टेक्स जो एक बार क्यू में आ चुका है वो दोबारा क्यू में नहीं आएगा। इस ग्राफ के लिए हम लोग जो है बीएफएस करते हैं, जिससे कि एकदम श्योरिटी हो जाएगी आपको कि आपको बीएफएस समझ में आ गया है। तो हमारे पास वर्टिसेस हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के और एल। कनेक्शंस बना लेते हैं, जो ए से कनेक्टेड वर्टिसेस हैं वो हैं बी और सी, बी से कनेक्टेड वर्टिसेस हैं ए डी और ई, अल्फाबेटिकल सीक्वेंस का हमें ध्यान देना है। और जो सी से कनेक्टेड वर्टेक्स है हमारा है वो ए, डी से कनेक्टेड वर्टेक्स जो है वो है हमारा बी और एफ, ई से कनेक्टेड जो वर्टेक्स है वो है हमारा बी जी और एच। ग्राफ को देखते रहिए, आप कनेक्शंस को देख पाएंगे, जैसे कि मैं देखूं कि बी से कनेक्शंस कौन कौन से हैं। अच्छा हाँ, बी से एक ए भी कनेक्टेड है,
तो हमें ए को भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो ए बी जी और एच, सॉरी ए नहीं है, आई एम सॉरी, ए नहीं है, ई से कनेक्टेड वर्टेक्स एज है बी, ई से कनेक्टेड है जी और ई से कनेक्टेड है एच। अच्छा आप एफ से कनेक्शंस देखते हैं, तो एफ से जो कनेक्टेड वर्टिसेस हैं वो है केवल डी, ये देखिए केवल डी कनेक्टेड है। अच्छा जी से कनेक्टेड कौन कौन सा है, जी से कनेक्टेड है ई आई और जे, तो ई कॉमा आई कॉमा जे। फिर एच से कनेक्शन देखते हैं, एच से दो कनेक्शंस हैं, एक ई और एक के, सो ई कॉमा के। फिर आई से कनेक्टेड वर्टिसेस हैं जी और एल, तो जी कॉमा एल हो गया यहाँ पे। और जे से कनेक्टेड कौन कौन सा है, जी और एल, आई से भी वही कनेक्शन है जो कि जे से कनेक्शन है, जी और एल। के से कनेक्टेड केवल एच है, और एल से कनेक्टेड कौन सा है, आई है और जे है। तो हमने एडजेंसी लिस्ट बना लिया, अब हमारा नेक्स्ट टास्क ये है कि हम सबसे पहले वर्टेक्स को क्यू में इंसर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे भी ए को मान रहे हैं, तो अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में आने वाला जो पहला वर्टेक्स है उसको हम क्यू में डाल देते हैं। अच्छा अगर ब्रेकफास्ट सर्च में ये कहा जाए कि हमें ट्रेवर्सल किसी एक पर्टिकुलर वर्टेक्स से स्टार्ट करना, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें यह कहा जाए कि यहाँ पे हमें एच से स्टार्ट करना है, तो पहला वर्टेक्स उस केस में मेरे लिए एच हो जाएगा और हम एच को क्यू में इंसर्ट करेंगे और प्रोसेस को फिर उसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा ए है, ए से कनेक्टेड वर्टिसेस बी और सी है, सबसे पहले ए को डिलीट करते हैं और बी सी को क्यू में इंसर्ट कर देते हैं। फिर बी को डिलीट करते हैं और बी से कनेक्शन है ए डी ई, तो ए ऑलरेडी क्यू में आ चुका है लेकिन हम डी और ई को क्यू में डाल सकते हैं, तो हमने डी और ई को क्यू में डाल दिया। फिर हम सी को डिलीट करते हैं, सी से कनेक्शन है ए, ए ऑलरेडी क्यू में आ चुका है इसलिए इग्नोर करते हैं उसको। फिर डी को रिमूव करते हैं, डी से कनेक्शन है बी और एफ, बी ऑलरेडी क्यू में आ चुका है लेकिन एफ नहीं आया, तो हम एफ को क्यू में डाल देते हैं। फिर ई को हम डिलीट करते हैं, ई से कनेक्शन है बी जी और एच, बी आ चुका है क्यू में लेकिन ना जी आया है और ना ही एच आया है, तो हम इसको क्यू में डाल देते हैं। फिर एफ को डिलीट करते हैं, एफ से कनेक्शन है डी, डी ऑलरेडी क्यू में आ चुका है, छोड़ देते हैं इसको। फिर जी को पिक करते हैं, जी से कनेक्शन है ई आई जे, ई ऑलरेडी क्यू में आ चुका है लेकिन आई और जे क्यू में नहीं आया, तो हम आई और जे को क्यू में डाल देते हैं। फिर एच को डिलीट करते हैं, एच से कनेक्शन है ई और के, ई ऑलरेडी क्यू में आ चुका है लेकिन के नहीं आया, तो के को हम इसमें डाल देते हैं। फिर आई को डिलीट करते हैं, आई से कनेक्शन है जी और एल, जी क्यू में आ चुका है लेकिन एल नहीं आया इसलिए हम एल को क्यू में डाल देते हैं। फिर आई को डिलीट कर जे को डिलीट करते हैं, जे से कनेक्शन है जी और एल, जी और एल दोनों क्यू में आ चुके हैं इसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे। फिर नेक्स्ट रिमूव करते हैं के से कनेक्शन है केवल एच का, तो इसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि एच ऑलरेडी क्यू में आ चुका है। सिमिलरली एल, एल से कनेक्शन है आई और जे जो कि ऑलरेडी क्यू में आ चुके हैं। तो हमारा ये BFS मेथड खत्म होता है। अब हम इसमें सीक्वेंसिंग कर लेते हैं कि कौन कौन से वर्ड किस सीक्वेंस में हमने ट्रैवर्स किया। तो सबसे पहले हमने क्यू में देखी किस किस वर्टेक्स को हम इंसर्ट किए या डिलीट किए, जो ऑर्डर इंसर्शन का वही ऑर्डर डिलीशन का है। तो सबसे पहले हमने ए को देखा, फिर बी को देखा, फिर सी को देखा, फिर डी को देखा, फिर ई को देखा, फिर एफ को देखा, फिर जी को देखा, फिर एच को देखा, फिर आई को देखा, फिर के को देखा और फिर एल को देखा। तो यही हमारा BFS का सीक्वेंस है, करेक्ट? तो आई होप आप BFS का क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे एग्जाम में। अब डेप्थ फर्स्ट सर्च की बात करते हैं, और डेप्थ फर्स्ट सर्च में हमें यह करना है कि स्टार्ट करना है एक वर्टेक्स से जो पहला वर्टेक्स है और मार्क कर देना है कि वो विजिट हो गया, फिर उसके डेप्थ में चले जाना है और तब तक डेप्थ में चलते चले जाना है जब तक कि हमारे पास और कोई रास्ता ना हो। जब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं होगा तो हम बैक ट्रैक करेंगे, मतलब कि जैसे प्रीवियस वर्टेक्स को हम देखेंगे और उससे कनेक्शंस देखेंगे कि नेक्स्ट क्या हम और डेप्थ में जा सकते हैं। तो नेक्स्ट हम डेप्थ में जाते रहेंगे और जैसे ही डेप्थ हम एक ऐसा वर्टेक्स आ जाएगा जिसके आगे हमें कोई रास्ता नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट वर्टेक्स को पिक करेंगे और वहां से एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करेंगे, करेक्ट? तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये ग्राफ गिवन है, तो आपको पता है सबसे पहले आपको क्या करना है, एडजेसेंसी लिस्ट बना लेनी है। तो यहाँ पे यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड ये हमारे पास वर्टिसेस हैं, तो एडजेसेंसी लिस्ट सबसे पहले बना लेते हैं। आप यहाँ पे मेंशन भी करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, एडजेसेंसी लिस्ट बना रहे हैं। एग्जाम में जरूरी है कि जो भी स्टेप आप परफॉर्म कर रहे हैं उसको मेंशन करें कि आप क्या कर रहे हैं। तो यू से कनेक्टेड वर्टिसेस हैं वी और एक्स, ऑर्डर आप सेम रखिए, ऑर्डर आप अल्फाबेटिकल सीक्वेंस रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वी से कनेक्टेड कनेक्शन है केवल वाई का, डब्ल्यू से कनेक्शन है वाई का और जेड का,
एक्स से कनेक्शन है केवल वी का, वाई से कनेक्शन है केवल एक्स का, और जेड से कनेक्शन है केवल जेड का। तो चलिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में आने वाले पहले वर्टेक्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो पहला वर्टेक्स मेरे लिए यू है, उसको मैं वन टाइम पे एक्सप्लोर करता हूँ। तो यहाँ पे हम टाइम का कॉन्सेप्ट रखते हैं ताकि इससे पता रहे कि कौन सा वर्टेक्स पहले एक्सप्लोर हुआ और कौन सा वर्टेक्स बाद में एक्सप्लोर हुआ। तो यू को हमने वन टाइम पे एक्सप्लोर कर दिया। अच्छा, यू से कनेक्शन है वी, चलिए मार्क कर लेते हैं इसके ऊपर कि वी वर्टेक्स है जिसको हमने अभी विजिट किया। तो वी को टू टाइम पे हम विजिट करेंगे, वन टाइम पे हमने यू को विजिट किया और टू टाइम पे हमने वी को विजिट किया। अच्छा देखिए, यू से कनेक्शन एक्स भी है लेकिन अभी हम एक्स को छोड़ देते हैं क्योंकि हमें डेप्थ में जाना है। तो वी अभी अभी वर्टेक्स एक्सप्लोर हुआ, अब हम वी से कनेक्शन देखेंगे। तो वी से कनेक्शन है एक्स वाई का, तो वाई को एक्सप्लोर कर देते हैं थ्री टाइम पे। अच्छा, अब हम वाई के डेप्थ में जाएंगे, तो वाई से कनेक्शन है एक्स का, अभी एक्स एक्सप्लोर नहीं हुआ है, जो वर्टेक्स एक बार एक्सप्लोर हो चुका है वहां पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन अभी एक्स एक्सप्लोर नहीं हुआ है तो हम एक्स को एक्सप्लोर कर देते हैं फोर टाइम पे। अब एक्स से कनेक्शन देखते हैं, एक्स से कनेक्शन केवल वी है, तो एक्स से कनेक्शन वी है जो कि ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका है, तो अब एक्स से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक्स को फिनिश कर देते हैं फाइव टाइम पे, फिनिश कर देते हैं, एक एक टाइम हम बढ़ाएंगे एक बार में। अच्छा, एक्स एक्सप्लोर हुआ था वाई से, क्योंकि एक्स से आगे कोई रास्ता नहीं, अब देखते हैं वाई के आगे कोई रास्ता है क्या। तो वाई से कनेक्शन केवल एक्स का है तो हम इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि इसके आगे भी कोई रास्ता नहीं है, तो इसको भी हम फिनिश कर देते हैं छह टाइम पे, सिक्स टाइम पे। अच्छा, वाई एक्सप्लोर हुआ था वी से, क्योंकि वाई के आगे कोई रास्ता नहीं, तो चलिए बैक ट्रैक करके पीछे जाते हैं। तो वाई वी से एक्सप्लोर हुआ था, अब वी से देखते हैं आगे रास्ता, केवल वाई का था, आगे कोई रास्ता नहीं, इसको भी फिनिश कर देते हैं सेवन टाइम पे। फिर इसके बाद वी एक्सप्लोर हुआ था यू से, तो देखिए यू से रास्ता वी का था जिसको हम एक्सप्लोर कर चुके हैं, और यू से रास्ता एक्स का भी है, लेकिन एक्स तो ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका है, तो अब इसको दोबारा एक्सप्लोर तो नहीं कर सकते, तो वर्टेक्स यू को भी हम फिनिश कर देते हैं एट टाइम पे। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि हमारे पास कोई भी रास्ता और जाने का नहीं है, तो अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वर्टेक्स एक्सप्लोर होगा। तो W और Z अभी बचा हुआ है, तो W अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में नेक्स्ट आता है, तो इसको हम नाइन टाइम पे एक्सप्लोर कर देते हैं, ऑटोमेटिक एक्सप्लोरेशन इसका हो रहा है नाइन टाइम पे। तो W से कनेक्शन देखते हैं कौन कौन से, W से कनेक्शन है Y और Z, तो Y ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका है लेकिन Z नहीं हुआ है, तो Z को हम एक्सप्लोर करते हैं टेन टाइम पे। अच्छा, Z से कनेक्शन केवल Z का है जिसको हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो Z से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं, तो इसको हम 11 टाइम पे फिनिश कर देते हैं और बैक ट्रैक करके जाते हैं W पे, क्योंकि Z जो है वो W से एक्सप्लोर हुआ था। W से कोई और रास्ता नहीं है, W से Y ऑलरेडी हम देख चुके हैं, Z भी देख चुके हैं, तो और कोई रास्ता नहीं, तो W को भी फिनिश कर दीजिए 12 टाइम पे। तो अब देखिए कि सारे के सारे वर्टिसेस एक्सप्लोर हो चुके हैं, तो जिस ऑर्डर में आपने ओपन किया है वर्टिसेस को वही ऑर्डर DFS का है। जैसे वो अगर ये जो हमने टाइम लिखा है A/B टाइम का, यहाँ पे जो A है वो ओपनिंग टाइम है और B जो है वो फिनिश टाइम है, तो ओपनिंग टाइम के हिसाब से आप लिखेंगे DFS का सीक्वेंस। तो U वर्टेक्स वन टाइम पे एक्सप्लोर हुआ, V वर्टेक्स टू टाइम पे एक्सप्लोर हुआ है, मैं यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस लिख रहा हूँ U और V, थ्री टाइम पे Y एक्सप्लोर हुआ है और फोर टाइम पे X एक्सप्लोर हुआ है। फिर इसके बाद नाइन टाइम पे W एक्सप्लोर हुआ है और उसके बाद 10 टाइम पे Z एक्सप्लोर हुआ है। तो U, V, Y, X, W, Z, ये मेरा DFS सीक्वेंस है, करेक्ट बच्चों? तो इसमें हमने ये देखा कि किस टाइम पे हमने किसी वर्टेक्स को ओपन किया, उसी के अकॉर्डिंग हम DFS सीक्वेंस लिख रहे हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, और सबसे पहले हम एडजेसेंसी लिस्ट बनाते हैं यहाँ पे, क्योंकि 10 वर्टिसेस हैं तो 10 साइज की एडजेसेंसी लिस्ट बनेगी मेरे पास। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कनेक्शन दिखाते हैं। 1 से कनेक्शन है केवल 5 का, 5 से कनेक्शन है केवल 10 का, फिर 2 से जो कनेक्शन है वो है 4 और 7 दोनों का, 3 से जो कनेक्शन है वो है केवल 10 का, 4 से कनेक्शन कौन कौन सा है, 4 वर्टेक्स इसमें नहीं है, आई एम सॉरी 4 को मैंने ले लिया यहाँ पे, 5 को 10 से, 6 से कनेक्शन जो है वो है मेरा ओनली 8 का, और 7 से कनेक्शन है 8 का, 8 से कनेक्शन है 9 का, और 9 से कनेक्शन है 7 का, 10 से कनेक्शन 2 का है। तो आइए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं फर्स्ट वर्टेक्स को। तो हमें दिख रहा है कि सीक्वेंस में पहला वर्टेक्स 1 है, तो इसको मैंने 1 टाइम पे एक्सप्लोर कर लिया है। 1 टाइम पे एक्सप्लोर करने के बाद इससे कनेक्शन है 1 को, हमने 1 टाइम पे एक्सप्लोर किया,
अच्छा, वन से कनेक्शन है फाइव का, तो फाइव को हम टू टाइम पे एक्सप्लोर कर लेते हैं। फिर इसके बाद फाइव से कनेक्शन है टेन का, अब हम टेन को एक्सप्लोर करते हैं थ्री टाइम पे। फिर टेन से कनेक्शन है टू का, तो टू को हम एक्सप्लोर करते हैं और टू को हम फोर टाइम पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। टू से कनेक्शन है फोर और सेवन का, तो फोर को पहले हम पिक कर लेते हैं। फोर को हमने एक्सप्लोर किया फाइव टाइम पे, आई एम सॉरी फोर है, मैं भूल गया, देखा नहीं था, तो फोर है इसमें, लेकिन फोर से कोई कनेक्शन नहीं है। तो फोर से कोई कनेक्शन नहीं है और फोर से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं, इसका मतलब फोर को हमें फिनिश करना पड़ेगा। बैक ट्रैक करके अब वहाँ जाते हैं जिसने फोर को एक्सप्लोर किया था, तो फोर को टू ने एक्सप्लोर किया था, तो टू से कनेक्शन हमने देखा था, तो फोर को एक्सप्लोर कर लिया, लेकिन अभी एक कनेक्शन बचा है सेवन वाला, तो इसको भी हम एक्सप्लोर करते हैं सेवन टाइम पे, क्योंकि अभी लास्ट फिनिश टाइम हमारा सिक्स था, तो अब हमारा टाइम सेवन पे सेवन एक्सप्लोर हो गया। अच्छा, सेवन से कनेक्शन है एट का, एट को एट टाइम पे एक्सप्लोर कर देते हैं। फिर एट से कनेक्शन है नाइन का, तो चलिए हम नाइन को भी एक्सप्लोर कर देते हैं, नाइन को एक्सप्लोर करते हैं नाइन टाइम पे। फिर नाइन से कनेक्शन है सेवन का, जो कि ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका है, तो फर्दर हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है कि हमें नाइन को फिनिश करना पड़ेगा, तो नाइन को हम टेन टाइम पे फिनिश कर देते हैं। बैक ट्रैक करते हैं वहां जिसने नाइन को कॉल किया था, तो एट ने कॉल किया था, तो एट को देखते हैं कि क्या एट से और कोई रास्ता है, नहीं, एट से केवल एक कनेक्शन नाइन था, तो जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो एट से जो कनेक्शन है, नेक्स्ट कनेक्शन जो हम देख रहे हैं, कोई नहीं है, इसलिए एट को हमें फिनिश करना पड़ेगा इलेवन टाइम पे। बैक ट्रैक करते हैं और देखते हैं कि किसने एट को कॉल किया था, तो उसने सेवन को कॉल किया था, सेवन ने कॉल किया था, सेवन से भी आगे जाने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि केवल एट ही कनेक्शन है उससे, तो अब इसको भी फिनिश कर देते हैं ट्वेल्व टाइम पे। बैक ट्रैक करते हो, देखते हैं किसने सेवन को कॉल किया था, तो सेवन को कॉल किया था टू ने, ठीक है। अच्छा, टू से हमने दोनों कनेक्शन देख लिया, फोर और सेवन, तो आगे जाने का कोई रास्ता नहीं, फिनिश कर देते हैं टू को, टू को फिनिश करते हैं थर्टीन टाइम पे। बैक ट्रैक करते हैं, देखते हैं किसने टू को कॉल किया था, तो टू को कॉल किया था टेन ने, टेन से भी आगे जाने का कोई रास्ता नहीं, तो इसको फोर्टीन टाइम पे फिनिश कर देते हैं। फिर टेन को बैक ट्रैक करके देखते हैं किसने कॉल किया था, तो फाइव ने कॉल किया था, इसको भी फिनिश कर देते हैं क्योंकि आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। फिर फाइव को बैक ट्रैक करके देखते हैं किसने कॉल किया था, वन ने, तो वन को भी फिनिश कर देते हैं क्योंकि वन से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। अभी सारे वर्टिसेस एक्सप्लोर नहीं हुए हैं, तो अब हम क्या कहते हैं कि सीक्वेंस में देखें कि थ्री और सिक्स बच गया है, तो पहले थ्री आता है, इसलिए हम इसको सेवनटीन टाइम पे एक्सप्लोर कर देते हैं। थ्री से आगे जाने का रास्ता है टेन, लेकिन हम टेन को ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं, इसलिए इसको फर्दर एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तो थ्री को हम फिनिश कर सकते हैं एटीन टाइम पे। नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ वर्टेक्स आता है सिक्स, इसको हम नाइनटीन टाइम पे एक्सप्लोर कर देते हैं, और सिक्स से कनेक्शन है एट, एट ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड है, इसलिए हम इससे आगे कहीं नहीं जा सकते, इसलिए इसको हम फिनिश कर देते हैं ट्वेंटी टाइम पे। तो देखिए कि ओपनिंग टाइम के हिसाब से कौन कौन से वर्टिसेस हैं, उनका सीक्वेंस बना लेते हैं। तो वन टाइम पे एक्सप्लोर हुआ वन, टू टाइम पे एक्सप्लोर हुआ फाइव, थ्री टाइम पे एक्सप्लोर हुआ है टेन, फोर टाइम पे एक्सप्लोर हुआ है टू, फिर फाइव टाइम पे एक्सप्लोर हुआ है फोर, सेवन टाइम पे एक्सप्लोर हुआ है सेवन, एट टाइम पे एक्सप्लोर हुआ है एट, नाइन टाइम पे एक्सप्लोर हुआ है नाइन, ओके। फिर इसके बाद फिनिश होना शुरू हो गए, टेन के बाद देखिए सारे फिनिश होना शुरू हो गए, सीक्वेंस में कोई वर्टेक्स नहीं मिला, तो अब हमारा सेवनटीन टाइम पे थ्री ओपन हुआ और 19 टाइम पे 6 एक्सप्लोर हुआ। तो आप चेक कर सकते हैं क्या सारे वर्टेक्स कवर हो गए कि नहीं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब कवर हो गए। तो ये हमारा DFS का सीक्वेंस है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आप कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे DFS में। अगर चेन हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और सारे के सारे वर्टेक्स कवर हो गए तो अच्छा है, लेकिन अगर कुछ वर्टेक्स छूट गए हैं तो आप सीक्वेंस में आने वाले पहले वर्टेक्स को ऑटोमेटिकली एक्सप्लोर कर लीजिए, करेक्ट। तो आई होप आप अच्छा एग्जाम करके आएंगे और इसको इस एल्गोरिथम को कभी भी गलत नहीं करेंगे। एग्जाम में एल्गोरिथम भी पूछा जाता है और एग्जाम में प्रोसेस भी पूछा जाता है, तो आप दोनों चीज़ों को दिखाएं। इस प्रोसेस में ये जरूर दिखाएं कि यहाँ पे हमने एडजेसेंसी लिस्ट बनाई है, एडजेसेंसी लिस्ट के ऊपर मार्क करके भी दिखाएं कि हमने कैसे कैसे वर्टेक्स को एक्सप्लोर किया, और फिर फाइनली आप ये जरूर दिखाएं कि किस कौन सा सीक्वेंस हमारा DFS का है, करेक्ट। सीक्वेंस दिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं से आपका आंसर चेक होने वाला है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।